हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा हमारे साइंस एकेडमी। आज का हमारा वीडियो हमारे पिछले वीडियो की ही अगली कड़ी है, जिसमें हम भारत के विश्व विरासत स्थल पढ़ रहे हैं, यूनेस्को द्वारा घोषित इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसकी शुरुआत हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बाघ संरक्षित क्षेत्र और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यहाँ पक्षियाँ, सरीसृपों और रीढ़ विहीन जीव, जिन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, कि कई प्रजातियाँ भी पाई जाती है। इनके साथ ही यहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। वर्तमान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र और 1977 में वन्य जीव अभियान घोषित किया गया था। 4 मई 1985 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सुंदरवन या सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। बहुत सी प्रसिद्ध वनस्पतियां और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है ये। यह डेल्टा धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पहले कोलकाता सागर तट पर ही स्थित था और सागर का विस्तार राजमहल तथा सिलहट तक था, परंतु अब यह तट से 15-20 मील दूर यानी 24 से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित लगभग 180,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देवा, केवड़ा, तरमजा, आम, लोपी और बोरान वृक्षों की भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो सुंदरवन में ही मिलती हैं। सिर्फ यहाँ के वनों की एक खास बात यह है कि यहाँ वही वह पेड़ पनपते हैं या बस सकते हैं, जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में रह सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा में नदियाँ भूमि की ढाल अत्यंत कम होने के कारण यहाँ गंगा अत्यंत धीमी गति से बहती है और अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती है, जिसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है और नदी की कई धाराएँ एवं उपधाराएँ बन जाती हैं। इस प्रकार बनी हुई गंगा की प्रमुख शाखा नदियाँ चालंगी नदी, इक्षामती नदी, भैरव नदी, विद्याधारी नदी और कालिंदी नदी है। नदियों के एक वक्र गति से बहने के कारण दक्षिणी भाग में कई धनुषाकार झीलें बन गई हैं। ढाल उत्तर से दक्षिण है, अतः अधिकांश नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ज्वार के समय इन नदियों में ज्वार का पानी भर जाने के कारण इन्हें ज्वारी नदियाँ भी कहते हैं। डेल्टा के सुदूर दक्षिणी भाग में समुद्र का खारा पानी पहुँचने के कारण यह भाग नीचा, नमकीन एवं दलदली है तथा यहाँ आसानी से पनपने वाले मैंग्रोव जाति के वनों से भरा पड़ा है। यह डेल्टा चावल की कृषि के लिए अधिक विख्यात है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक कच्चे जूट का उत्पादन होता है। कटका अभयारण्य सुंदरवन के उन इलाकों में से एक है, जहाँ का रास्ता छोटी छोटी नहरों से होकर गुजरता है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं। बंगाली खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने से मेघना नदी के मुहाने तक मेघना नदी बांग्लादेश में है तक 260 किलोमीटर दूरी तक विस्तृत व्यापक जंगली एवं लवड़ी दलदली क्षेत्र है, जो गंगा डेल्टा का निचली हिस्सा बनाता है। यह 100 से 130 किलोमीटर फैला अंतरस्थलीय क्षेत्र है। मुहाने की एक संजाल नहरों वाली नदियां और अनेक नहरों वाली कटी हुई खाड़ियों के साथ इस भू क्षेत्र में घने वनों से ढके दलदली द्वीप समूह में है। सुंदरवन नाम संभवतः सुंदरी का वन से लिया जाता है। इसका संबंध ईंधन के लिए मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध कराने वाले एक विशाल मैंग्रोव वृक्ष से है। समुद्र तट के साथ वन मैंग्रोव वाले दलदलों में परिवर्तित होते हैं। दक्षिणी क्षेत्र विभिन्न जंगली जानवरों, घड़ियालों से भरा हुआ और वस्तुतः निर्जन है। यह बंगाल के शेर का आखिरी संरक्षित क्षेत्र और बाघ संरक्षण परियोजना का स्थल है। कृषि योग उत्तरी क्षेत्र में चावल, गन्ना, लकड़ी और सुपारी की खेती होती है। हमारी जो अगली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, वो है जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर में पुराने राजमहल चंद्र महल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। पौने 300 साल से भी अधिक समय से प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषी और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में मशहूर इस अप्रतिम वेधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के यशस्वी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, जो 1734 में पूरा हुआ था। सवाई जयसिंह एक बहादुर योद्धा और मुगल सेनापति ही नहीं, उच्च कोटि के खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज में सम्मानपूर्वक से की है।
सवाई जयसिंह ने इस वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां मंगवाई थी और उन्हें अपने पोथी खाने यानी पुस्तकालय में संरक्षित कर अपने अध्ययन के लिए उनका अनुवाद भी कराया था। यूं तो मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस में भी जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया, पर उनके अपने शहर में निर्मित यह वेधशाला सारी वेधशालाओं में सर्वाधिक विशाल है। यह बाकी के जंतर मंत्रों से आकार में तो विशाल है ही, शिल्प और यंत्रों की दृष्टि से भी इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सवाई जयसिंह निर्मित 5 वेधशालाओं में आज केवल दिल्ली और जयपुर में जंतर मंतर ही शेष बचे हैं, बाकी काल के काल में समा गए। यूनेस्को ने 1 अगस्त 2010 को जंतर मंतर समेत दुनिया भर के 7 स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की जो घोषणा की थी उनमें जयपुर का जंतर मंतर भी एक था। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस वेधशाला को विश्व विरासत स्मारक श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। इस सम्मान के पीछे जो मुख्य कारण गिनाया गया उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद इस वेधशाला के सभी प्राचीन यंत्र आज भी ठीक अवस्था में हैं। इसके माध्यम से मौसम, स्थानीय समय, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहण आदि खगोलीय परिघटनाओं की एकदम सटीक गणना आज भी की जा सकती है। 282 साल पहले लकड़ी, चूने, पत्थर, धातु से निर्मित यंत्रों के माध्यम से आकाशीय घटनाओं के अध्ययन की भारतीय विद्या को अद्भुत मानते हुए इस स्मारक को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इन्हीं यंत्रों की गणना के आधार पर आज भी जयपुर के स्थानीय पंचांग का प्रकाशन होता है और हर बरस आषाढ़ पूर्णिमा को खगोल शास्त्रों द्वारा पवन धारणा प्रक्रिया से आने वाली वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ के यंत्रों में सम्राट यंत्र जो कि विशाल सूर्य घड़ी है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिनमें एक सम्राट यंत्र सर्वाधिक ऊंचा है जो धरती से करीब 10 फीट ऊंचा है। इसके माध्यम से पर्याप्त शुद्धता से समय बताया जा सकता है। राजस्थान प्रदेश का पहला और देश के 28वां स्मारक जंतर मंतर हुआ है। भरतपुर का धनी घाना पक्षी अभयारण्य यूनेस्को में सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में पहले शामिल था। इससे इस नायाब वेधशाला को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और स्मारक के रखरखाव के लिए $40,000 का अलग से फंड भी मिलेगा। अगला जो विश्व विरासत स्थल है वो भी राजस्थान से ही है, वो है आमेर का किला। जयपुर राजस्थान के उपनगर आमेर में जयपुर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जो कि पहाड़ी पर स्थित है। आमेर दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर दुर्ग हिंदू तत्वों की अपनी कलात्मक शैली के लिए जाना जाता है। अपनी विशाल प्राचीन दरवाजों की श्रृंखला और लंबे सर्पिलाकार रास्तों के साथ यह अपने सामने की ओर स्थित मावठा झील की ओर देखता हुआ खड़ा है। इस अजय दुर्ग का सौंदर्य इसकी चार दीवारी के भीतर मौजूद इसके 4 स्तरीय लेआउट प्लान से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित दीवाने आम या आम जनता के लिए विशाल प्रांगण और दीवाने खास या निजी प्रयोग के लिए बना प्रांगण, भव्य शेष महल या जय मंदिर तथा सुख निवास शामिल है, जिन्हें गर्मियों में ठंडा रखने के लिए दुर्ग के भीतर ही कृत्रिम रूप से बनाए गए पानी के झरने इसकी समृद्धि कहानी कहते हैं। इसलिए यह आमेर दुर्ग आमेर महल के नाम से भी आ जाता है। राजपूत महाराजा अपने परिवार के साथ इस महल में रहा करते थे। महल के प्रवेश द्वार पर किले के गणेश द्वार के साथ चैतन्य संप्रदाय की आराध्य माशिला देवी का मंदिर स्थित है। यह आमेर का किला जयगढ़ दुर्ग के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला पर चील के टीले के ठीक ऊपर इस प्रकार स्थित है। ये 2 अलग अलग किले होते हुए भी समग्र रूप से एक ही विशाल संरचना का रूप लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि दोनों किले न सिर्फ एक दूसरे के बेहद करीब स्थित है बल्कि एक सुरंग के रास्ते से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हुए हैं। आमेर के किले से जयगढ़ के किले तक यह सुरंग इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि युद्ध के समय राज परिवार के लोग आसानी से आमेर के किले से जयगढ़ के किले तक पहुंच सके, जो कि आमेर के किले की तुलना में अधिक दुर्जेय है। यह मुगलों और हिंदुओं की वास्तुशिल्प का मिला जुला और अद्वितीय समूना है। जयपुर से पहले कछवाहा यानी मौर्य राजवंश की राजधानी आमेर ही थी। राजा मानसिंह ने वर्ष 1592 में इसका निर्माण आरंभ किया। पहाड़ी पर बना यह महल टेढ़े मेढ़े रास्तों और दीवारों से पटा पड़ा है। महल के पीछे जयगढ़ दिखाई देता है। महल को बनाने के लिए लाल पत्थरों और सफ़ेद मार्बल का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया है। महल के कई अनुभाग देखने योग्य हैं। महल में जय मंदिर, शीश महल, सुख निवास और गणेश पुल देखने और घूमने के लिए अच्छे स्थान है। इन्हें समय समय पर राजा मानसिंह ने 2 सदी के शासनकाल के दौरान बनवाया था। आमेर का पुराना नगर महल के पास नीचे की ओर बसा था। यहाँ का जगत शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर देखने योग्य है। आमेर का किला कला का एक सुंदर नमूना है और यहाँ पर बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी होती है। राजस्थान सरकार ने जनवरी 2011 को राजस्थान के कुछ किलों को विश्व धरोहर की में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। उनमें उसके बाद यूनेस्को टीम के आकलन समिति ने 2 प्रतिनिधि जयपुर आए और ASI और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इन सबके पश्चात 2013 में इसे विश्व विरासत की सूची में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया कर लिया गया। अगली जो हमारा स्थल है वो है, वो भी राजस्थान का किला है, उसे कहते हैं गागरौन का किला। गागरौन अथवा गागरन अथवा गागरों का किला भारतीय राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक किला है। यह काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यह नगर से उत्तर में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किले के प्रवेश द्वार के निकट ही सूफी संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ हर वर्ष 3 दिवसीय उर्स मेला भी लगता है। अगली जो सूची है हमारी वो है चित्तौड़गढ़ का किला। ये भी राजस्थान का ही किला है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक शहर है। यह शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की प्राचीनता पता लगाना कठिन कार्य है, किंतु माना जाता है महाभारत काल में महाबली भीम ने अमृत के रहस्यों को समझने के लिए स्थान का दौरा किया और एक पंडित को अपना गुरु बनाया, किंतु समस्त प्रक्रियाओं को पूरी करने से पहले अधीर होकर वह अपना लक्ष्य नहीं पा सके और प्रचंड गुस्से में आकर उसने अपना पांव जोर से जमीन पर मारा, जिससे वहां पानी का स्रोत फूट पड़ा। पानी का यह कुंड भीमताल कहा जाता है। बाद में यह स्थान मौर्य अथवा मुरी राजपूत के अधीन आ गया। इसमें भिन्न भिन्न राय है कि यह मेवाड़ शासकों के अधीन कब आया, किंतु राजधानी को उदयपुर ले जाने से पहले 1568 तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रहा। यह माना जाता है कि सौदीय वंश के महान संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अंतिम सोलंकी राजकुमारी से विवाह करने पर चित्तौड़ को दहेज के एक भाग के रूप में प्राप्त किया था। बाद में उनके वंशजों ने मेवाड़ पर शासन किया, जो 16वीं शताब्दी तक गुजरात से अजमेर तक फैल चुका था। अजमेर से खटवा जाने वाली ट्रेन के द्वारा रास्ते की भी स्थित चित्तौड़गढ़ जंक्शन से करीब 2 मील उत्तर पूर्व की ओर एक अलग पहाड़ी पर भारत का गौरव राजपूतानों का एक सुप्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला बना हुआ है। समुद्र तल से 1336 फीट ऊंची भूमि पर स्थित 500 फीट ऊंची एक विशाल हम्बेल आकार में पहाड़ी पर निर्मित इसका दुर्ग लगभग 3 मील लंबा और आधे मील तक चौड़ा है। पहाड़ी का घेरा करीब 8 मील का है। यह कुल 601 एकड़ भूमि पर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ वह वीर भूमि जिसने समूचे भारत के सम्मुख शौर्य देशभक्ति में बलिदान का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ के असंख्य राजपूत वीरों ने अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए 80 धारा रूपी तीर्थ में स्नान किया। वहीं राजपूत वीरांगनाओं ने कई अवसर पर अपने सती की रक्षा के लिए अपने बाल बच्चों सहित जौहर की अग्नि में प्रवेश कर आदर्श उपस्थित किए। इन स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी पड़ी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई है। यहाँ की कड़कड़ हमें देश प्रेम की लहर पैदा करता है। यहाँ की हर एक इमारत हमें एकता का संकेत देती है। अगला जो स्थल है वो भी किला है और वो भी राजस्थान का ही किला है। उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान ही नहीं भारत के सभी दुर्गों में विशेष स्थान रखता है। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूरी स्थित पर समुद्र तल से 1080 मीटर ऊंचा और 30 किलोमीटर व्यास में फैला यह दुर्ग मेवाड़ के यशस्वी महाराणा कुंभा की सूझबूझ व प्रतिभा का अनुपम स्मारक है। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 से शुरू होकर 15 वर्षों तक 1458 में पूरा हुआ। दुर्ग का निर्माण काल पूरा होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के ढलवाए जिन पर दुर्ग और उनका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीन जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने हुए हैं। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने का दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर बड़ी दीवार बनी हुई जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। यह दुर्ग कई घाटियों पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर व आवासीय इमारतें बनाई गई हैं और समतल भूमि का उपयोग कृषि भूमि के कार्य किया जाता है। वहीं ढलान वाले भागों का उपयोग जलाशयों के लिए करके इस दुर्ग को यथासंभव स्वावलंबी बनाया गया। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, इसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और वह सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। इस गढ़ के शीर्ष भाग में बादल महल है और कुंभा महल सबसे ऊपर है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी भी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राजपरिवार इसी दुर्ग में रहा है। यहीं पर पृथ्वीराज और महाराणा सांग का बचपन बीता है। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना घाय ने इसी दुर्ग में छिपा कर पालन पोषण किया। हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा। लेकिन इस दुर्ग में कई दुखान घटनाएं हुई जिसमें महाराणा कुंभा
को कोई हरा नहीं सका, वही महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदय कर्ण द्वारा राजलिप्सा में मारे गए। कुल मिलाकर दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। माड़ गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़, कटारगढ़, पाजिज, अवलन फिर समली, मध्य साजना, बसंज, कुंभल मेर। कुंभलगढ़ किले के आरोट पोल नामक दरवाजे केलवाड़े कस्बे के पश्चिम से कुछ दूरी पर 700 फुट ऊंची नाल पर चढ़ने के लिए बना है। हमेशा यह राज्य की ओर से पहरा हुआ करता था। इस स्थान के करीब 1 मील की दूरी पर हल्ला पुल है, जहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर हनुमान पुल के लिए जा सकता है। हनुमान पुल के पास ही महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की मूर्ति है। इसके बाद विजय पुल का नामक दरवाजा आता है, जहाँ की कुछ भूमि समतल तथा कुछ नीची। यहाँ से प्रारंभ होकर पहाड़ी की एक चोटी बहुत ऊंचाई तक चली जब गई है, उसी पर किले का सबसे ऊंचा भाग बना हुआ है। इस स्थान को कहारगढ़ कहते हैं। विजय पुल से आगे बढ़ने पर भैरव पुल, नींबू पुल, चौगान पुल, पागड़ा पुल, गणेश पुल आते हैं। हिंदुओं और जैनों के कई मंदिर विजय पुल के पास ही समतल भूमि में बने हुए। नीलखंड महादेव का मंदिर यहाँ पर अपने ऊंचे ऊंचे सुंदर स्तंभों वाले बरामदों के लिए जाना जाता है। इस तरह के बरामदे वाले मंदिर प्राय यहाँ नहीं मिलते हैं। मंदिर की शैली को कर्नल टॉल जैसे इतिहासकार यूनानी शैली बताते हैं, लेकिन कई विद्वान इससे सहमत नहीं है। यज्ञस्थल वेदी यहाँ का दूसरा उल्लेखनीय स्थान है। महाराणा कुंभा जो शिल्पा शास्त्र की गाथा थे, उन्होंने यज्ञ आदि के उद्देश्य से शास्त्रोक्त रीति से बनवाया था। राजपुताना में प्राचीन काल से यज्ञ स्थानों का यही एक स्मारक शेष रह गया है। एक दो मंजिले भवन के रूप में इसकी इमारत है, जिसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। इस गुंबद के नीचे वाले हिस्से में जो चारों तरफ से खुला हुआ है, धुआं निकलने का प्रावधान है। इसी वेदी पर कुंभलगढ़ की प्रतिष्ठा का यज्ञ भी हुआ था। किले के सबसे ऊंचे भाग पर भव्य महल बने हैं। अगला जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की, वो भी एक किला है और वो राजस्थान से ही है। उसका नाम है जैसलमेर का किला। 12वीं शताब्दी में सुनहरे पत्थरों से बनाया किला राजस्थान में दूसरा सबसे पुराना किला है और बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों इसे देखने आते हैं। जैसलमेर के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में सर्वप्रथम यहाँ का किला है। जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में निर्मित हुआ था। जैसलमेर का किला स्थापत का सुंदर नमूना है और इसमें 1200 घर हैं। इस किले की अपनी खासियत है, जो कि 250 फुट ऊंचाई वाला है। यह किला 30 फुट ऊंची प्राचीरों से घिरा हुआ है। गौरतलब यह है कि यह जैसलमेर की पूरी आबादी इसी किले की चार दीवारी के अंदर ही बसी है। जैसलमेर यह किला का निर्माण 1154 में किया गया और यह राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना राज्य भी है। 250 फीट ऊंचा सेंट स्टोन के विशाल खंडों से निर्मित 30 फीट ऊंची दीवारों वाले इस किले में 99 प्राचीर, जिसमें 92 का निर्माण 1633 से लेकर 1647 के बीच कराया गया था। इस किले के अंदर मौजूद कुएं पानी का निरंतर स्रोत प्रदान करते हैं। रावल जैसल द्वारा निर्मित यह किला जो 80 मीटर ऊंची चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसमें महलों की बाहरी दीवारें, घर और मंदिर कोमल पीले सैंड स्टोन से बने हैं। इसकी सकरी गलियां और चार विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से अंतिम एक द्वार मुख्य चौक की ओर जाता है, जिस पर महाराजा का पुराना किला है। इस कस्बे की लगभग एक चौथाई आबादी इसी किले के अंदर रहती है। यहाँ गणेश पुल, सूरज पुल, भूत पुल और हवा पुल के जरिए पहुँचा सकता है। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ हैं और जैन मंदिरों का समूह है, जो 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए। अगला जो स्थल है वो भी किला है राजस्थान का, उसका नाम है रणथंभौर का किला। रणथंभौर किला जो एक शक्तिशाली किला है, सन 944 में बनवाया गया था। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो आसपास के मैदानों से लगभग 700 फुट की ऊंचाई पर है। किला विंध्य पठार और अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो 7 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में विभिन्न हिंदू और जैन मंदिर के साथ एक मस्जिद भी, आवासीय और प्रवासी पक्षियों की एक बड़ी विविधता यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि किले के आसपास कई जल निकाय उपस्थित हैं। इस किले से पर्यटकों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का एक शानदार दृश्य देख सकते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को 1528 में मुगलों के पास थी। बाद में 17वीं शताब्दी में मुगलों ने जयपुर के महाराजा को किला उपहार में दे दिया। जैसलमेर किले को अगला जो मेरे पास स्थल है वो हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं और उनका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में, पश्चिमी घाट पर्वत या सहयात्री पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी यंत्र द्वीप तक यानी कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर दूरी की लंबाई में व्यवस्थित है। यह पर्वत एक वास्तविक पर्वत नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का अपरदित खड़ा करार है। इसके उत्तरी भाग में बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट
पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। सह्याद्री की गिनती पुराणों में उल्लिखित समतुल पर्वत में की गई है। महेंद्रो मलय सह शुक्तिमान पर्वता विध्यक्ष पर्यात्रेस्पति कुल पर्वता, ये संस्कृत में उससे जुड़ा हुआ वेदों में एक श्लोक है। विष्णु पुराण में गोदावरी भीम रथी कृष्णा वेणा आदि को सह्याद्री से निस्तुत माना गया है। सप्तकुल पर्वतों का परिवचायक उपयुक्त श्लोक महाभारत में ठीक इसी प्रकार दिया गया है। श्रीमद् भागवत में सह्याद्री गणना भारतीय पर्वतों के साथ की गई है, जैसे मलियो मंगल प्रस्थनो मैना करिस्तूत शुभा कूटक कोल्लक सहस्त्रो देव गिरी ऋषिमुख। रघुवंश में सह्याद्री का उल्लेख रघु की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में किया गया है। असह विक्रम सह दूरान मुक्त नितंब मिये मेदिनिया सहस्त्र शुकम लंघयत तस्या नीर तो विश्व परिपरांत जयोपते रामोस्त्र सारित्री प्यासी सल्ग इवाण्य। उपरोक्त उद्धरण में सह्याद्री का अपरांत में विजय के संबंध वर्णन किया गया है। सह्याद्री का विस्तार त्र्यंबकेश्वर नासिक के समीप पर्वत से लेकर मालाबार तक माना गया है। इसके दक्षिण में मलय गिरिमाल स्थित है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में सह्याद्री तथा मलय का उल्लेख है। पश्चिमी घाट श्रृंखला में अन्नामलाई पहाड़ी और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है और महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। देश के मानसून के चक्र को पूरी तरह प्रभावित करती है। भारत में मानसून के चक्र को पूरी तरह प्रभावित करने वाली हिमालय पर्वत से प्राचीन पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। करीब 1600 लंबी किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को यूनेस्को ने जैव विविधता के दुनिया के सबसे प्रमुख स्थलों में शुमार किया है। इन पहाड़ियों का कुल क्षेत्र लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर, उनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट में कम से कम 84 उपचर प्रजातियों और 16 श्रेणियों की प्रजातियों और 7 स्तनपाई और 1600 पूर्व प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व में कहीं और नहीं है। पश्चिमी घाट में सरकार द्वारा घोषित कई संरक्षित क्षेत्र, इनमें से 2 जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र 5500 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ सदा हरे भरे रहने वाले मैदानी पेड़ों के वन मौजूद हैं। केरल का सालेट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भारत का ऐसा अंतिम उष्णकटिबंधीय हरित वन है जहाँ अभी तक किसी ने प्रवेश नहीं किया। अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समूह ने पूरे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। दक्कनी पठारों के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय स्थल उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। विश्व की जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला जो स्थल है हमारे पास वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 से लेकर 1881 के बीच में किया गया और इसकी कुल लंबाई 78 किलोमीटर है, 78 किलोमीटर है। इसका उन्नयन स्तर न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग 100 मीटर है से लेकर दार्जिलिंग में 2200 मीटर तक है। इसकी अनुसूचित सेवाओं का परिचालन मुख्यतः 4 आधुनिक डीजल इंजनों द्वारा किया जाता है। हालांकि दैनिक कुर्सियांग दार्जिलिंग वापसी सेवा और दार्जिलिंग से घूम भारत के सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली दैनिक पर्यटन गाड़ियों का परिचालन पुराने ब्रिटिश निर्मित बी श्रेणी के भाप इंजन DHR 778 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस रेलवे को यूनेस्को द्वारा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला के साथ भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस रेलवे का मुख्यालय कुर्सियांग शहर में है। अगला जो विश्व विरासत स्थल है वो भी एक रेलवे ट्रैक है, जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत रेल पर्वती रेल। नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत के राज्य तमिलनाडु में स्थित एक रेल प्रणाली जिसे 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। शुरुआत में इसका संचालन मद्रास रेलवे द्वारा किया गया। इस रेलवे का परिचालन आर्मी भाप इंजनों द्वारा किया जाता है। नीलगिरी पर्वती रेल नवगठित सलेम मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वती रेल को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के विश्व विरासत स्थल के एक विस्तार के रूप में मान्यता दी थी और तब
से इन्हें संयुक्त रूप से भारत की पर्वतीय रेल के रूप से जाना जाता था। इसे यह मान्यता मिलने के बाद इसकी आधुनिकरण की योजना का बहिष्कार कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से कुन्नूर और उदक मंडलम जिसे ऊटी कहते हैं कि भी के खंड में भाप के इंजनों के स्थान पर लिए डीजल इंजनों का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस खंड में एक बार फिर से भाप इंजन द्वारा रेलगाड़ी चलाने की मांग की। शाहरुख खान द्वारा अपनी फिल्म दिल से में प्रसिद्ध हिंदी की छैया छैया का फिल्मांकन इसी रेलवे की रेलगाड़ी की छत पर किया गया था। अगला जो स्थल है वो भी रेलवे ट्रैक है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक। ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए 1893 में दिल्ली अम्बाला कंपनी की इस रेल मार्ग के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। समुद्र से लगभग 646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालका जो कि हरियाणा राज्य में है, रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रेन शिवालिक की पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों से होते हुए 2063 मीटर ऊँचे शिमला तक जाती है। 2 फीट 6 इंच की इस नैरो गेज पर लेन पर 9 नवंबर 1903 से लेकर आज तक रेल यातायात जारी है। कालका शिमला रेल मार्ग में 103 सुरंगें हैं और 761 पुल बने हुए हैं। इस मार्ग पर 911 घुमाव आते हैं जिनमें सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेन 85 डिग्री कोण पर घूमती है। 1903 में अंग्रेजों द्वारा कालका शिमला रेल सेक्शन बनाया गया था। रेल विभाग ने 9 नवंबर 2003 को इसे धूमधाम से शताब्दी समारोह भी बनाया जिससे पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने स्ट्रेल टैग को हेरिटेज गिराने के लिए मामला यूनेस्को में उठाने की घोषणा की। यूनेस्को की टीम ने कालका शिमला रेलमार्ग का दौरा करके हालात का जायजा लिया। टीम ने कहा कि दार्जिलिंग रेल सेक्शन के बाद यह ऐसा सेक्शन है जो अपने आप में अनोखा है। यूनेस्को ने इस ट्रैक को ऐतिहासिक महत्व का समझते हुए भरोसा दिलाया कि वह इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी और अंततः 24 जुलाई 2008 को इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। 60 के दशक में चलने वाली यह स्टीम इंजन की इस स्टेशन को धरोहर को बरकरार रखा गया है और यह आज भी शिमला और कैथली घाट के बीच चल रहा है। इसके बाद देश की हेरिटेज टीम ने इस सेक्शन को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए अपना दावा पेश किया। इस स्टेशन में 103 सुरंग के कारण शिमला में एक आखिरी सुरंग को 103 नंबर सुरंग का नाम दिया गया। इसी कारण से ठीक ऊपर बने बस स्टॉप को भी अंग्रेजों के जमाने से ही 103 स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा जबकि इसका नाम 102 स्टॉप होना चाहिए। भले इस ट्रैक को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल गया लेकिन 105 वर्ष पुराने इस ट्रैक में कई खामियां हैं। इस ट्रैक में बने कई पुल कई जगह पर जर्जर हो चुके हैं। स्वयं रेलवे को खतरा लेकर चेतावनी देनी पड़ती है। ऐसे असुरक्षित पुलों पर ट्रेन की निर्धारित गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है। कालका शिमला रेल मार्ग पर समान सीजन में लगभग 1500 यात्री यात्रा करते हैं जबकि पीक सीजन में यह आंकड़ा दुगना हो जाता है। अंग्रेजों ने हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा में इस रेल ट्रैक को बनाने का प्लान बनाया था। पहले यह रेल ट्रैक कालका से किन्नौर तक पहुँचाने जाना था लेकिन बाद में इसे शिमला ले आकर पूरा किया। अंग्रेजों ने इस रेल ट्रैक पर जब काम शुरू किया तो बड़ोग में एक बड़ी पहाड़ी की वजह से ट्रैक को आगे ले जाने में दिक्कत होने लगी। एक बार तो हालात यह बन गए कि अंग्रेजों ने इस ट्रैक को शिमला तक पहुंचाने का काम बीच में छोड़ने का मन बना लिया। इस वजह से ट्रैक का काम देख रहे कर्नल बड़ोग ने आत्महत्या तक कर ली। उन्हीं के नाम पर आज बड़ोग स्टेशन का नाम रखा गया है। इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर चलने वाले अधिकतर इंजन 36 वर्षों की यात्रा के बाद भी सवारियों को कालका शिमला की ओर ढो रहे। इस रेल मार्ग पर वर्तमान में लगभग 14 इंजन चल रहे हैं जिसमें 10 इंजन 36 वर्ष पूरे कर चुके हैं और शेष 4 इंजन भी 20 से 25 वर्ष पुराने हैं। ज्ञात हो कि पहाड़ों पर चलने वाली टॉय ट्रेन का इंजन जीवनकाल 36 वर्ष का ही होता है। इस प्रकार इस रेल मार्ग पर चलने वाले 10 इंजन अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इन सभी इंजनों को कालका स्थित नैरोगेज डीजल इंजन वर्कशॉप में मरम्मत और रखरखाव किया जाता है लेकिन पुराने हो चुके इंजन के स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण इनके मेंटेनेंस में परेशानी होती है। रेल विभाग इस सेक्शन के लिए मुंबई स्थित परेल वर्कशॉप से 4 नए इंजन तैयार करने के बाद लगभग 5 महीने से कर रहा है। रेल विभाग ने इन इंजनों को यहाँ कभी मार्च कभी अप्रैल तो कभी जून में लाने की बात करते हैं लेकिन अभी तक ये इंजन यहाँ पहुँच नहीं पाए। तो ये हुई आपको भारत के कुछ विश्व राष्ट्र स्थल की जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज RS IAS अकेडमी को लाइक कीजिए या हमारी वेबसाइट www.RSAcademyGroup.com विजिट कीजिए। थैंक यू।